सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज़ और अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों मेरे से जो है बहुत सारे लोग ने बहुत समय से कमेंट करके पूछ रहे थे कि चैंपियन लीग T20 क्यों बंद हुई, क्या वो होने वाली है, इसके पीछे की क्या वजह है, आखिरकार हमें बताओ। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो है मैं आपको बताऊँगा कि जो चैंपियन लीग T20 है उसकी असल वजह क्या है जिसके चलते मजबूरन उनको बंद करना पड़ा। तो ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। सबसे पहले बात करते हैं चैंपियन लीग T20 की। तो दोस्तों आप सभी को एक बात बता दूं कि ये जो चैंपियन लीग T20 है इसको दोस्तों तीन देश मिलके होस्ट करती थी। एक थी क्रिकेट इंडिया, क्रिकेट साउथ अफ्रीका और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ये तीनों क्रिकेट बोर्ड मिलके एक साथ चैंपियन लीग T20 को चलाते थे। और दोस्तों जो चैंपियन लीग T20 है उसकी शुरुआत जो है वो 2008 में होने वाली थी, लेकिन दोस्तों दुर्भाग्यवश 2008 में जो है मुंबई हमले के बाद चैंपियन लीग T20 को रद्द करना पड़ा। दोस्तों अब बात करते हैं चैंपियन लीग T20 आखिरकार क्यों बंद हो गई। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है हमारा जो IPL है, IPL से भी चैंपियन लीग में टॉप की तीन टीमें क्वालिफाई कर जाती है ऑटोमेटिक। तो दोस्तों ऐसे में जो है चैंपियन लीग T20 में इंडिया की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम और साउथ अफ्रीका की टीम, ये तीनों टीम्स मिल के हिस्सा लेती थी। लेकिन दोस्तों इसके पीछे की असल वजह ये थी कि जो चैंपियन लीग T20 है दोस्तों उसके जो व्यूअर्स थे वो साल दर साल कम होते गए, और जो उसका नुकसान है वो क्रिकेट इंडिया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट साउथ अफ्रीका को होने लगा। और दोस्तों बाद में चल के जो है चैंपियन लीग T20 को ज़्यादा स्पॉन्सर भी नहीं मिल रहे थे, जिसका नुकसान जो है वो क्रिकेट इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को हो रहा था। दोस्तों ये जो चैंपियन लीग T20 बंद हुई है इसका जो असल वजह है वो यही है कि जो उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही थी और जो उनके व्यूअर्स थे वो दोस्तों साल दर साल कम होते जा रहे थे। दोस्तों अगर एक साल में दो तरह की सेम लीग होगी, दोस्तों हम सभी को पता है साल में एक बार IPL होता है, फिर उसके बाद चैंपियन लीग भी होती है। तो दोस्तों ऐसे में जो है कहीं ना कहीं चैंपियन लीग के जो व्यूअर्स थे वो दोस्तों ऑटोमेटिक कम होने वाले थे। तो दोस्तों क्रिकेट साउथ अफ्रीका, क्रिकेट इंडिया और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों क्रिकेट बोर्ड ने एक साथ मिलके फैसला लिया कि जो चैंपियन लीग T20 है उसको रोक दिया जाए, उसके बदले में दोस्तों जो है इंडिया में चलता है IPL और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में चलता है बिग बैश लीग और जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर चलता है रैम स्लैम T20। तो दोस्तों ऐसे में जो है ये तीनों देश अपना अलग अलग T20 का टूर्नामेंट चलाती है, इसका जो फ़ायदा है ये तीनों देश को भी होता है। तो दोस्तों यही थी असल वजह चैंपियन लीग T20 बंद होने की, जो कि हमारे व्यूअर्स और स्पॉन्सरशिप से जुड़ी हुई थी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी को ज़रूर से पसंद आई रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।